नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल तिमन कुमार भारती में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के पास फिर से आना इसलिए जरूरी पड़ गया क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का फोन आ रहा है, बार बार मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप पे भी आप लोग मैसेज कर रहे हैं। मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा आप लोगों का कि किन का किन का आ रहा है, लेकिन मोर देन 500 के आसपास आप लोगों में से मैसेज आ चुका है या फोन आ चुका है या ईमेल आ चुका है, सब कुछ मिला के, या मेरे वेबसाइट पे भी कमेंट आ चुका है कि आपका अच्छे से तैयारी नहीं हो सका इसलिए आप इस साल के एग्जाम को छोड़ रहे हैं और नेक्स्ट ईयर का एग्जाम, मतलब नेक्स्ट जो नवंबर दिसंबर में होगा आप उस एग्जाम को पकड़िएगा। भाई ऐसी गलती मत कीजिएगा, ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं इसलिए आप लोगों को गाइड नहीं कर रहा था कि आप एग्जाम छोड़ दें। आपको पता है जो डर गया सो मर गया, यहाँ पर भी वही सवाल है। पहले वो फाइटिंग वाला होता था, वहाँ पर डर की बात होती थी, यहाँ पर भी फाइटिंग है पेन की। और यहाँ पर अगर आप पहले से डर है, क्योंकि आपको पता है मैं कई सारे वीडियोज में बताया हूँ कि अगर हम दिमाग में कोई चीज का हम सोचते हैं ये बहुत टफ है, टफ है, टफ है, टफ है, टफ है, टफ है, तो चीज हमारे लिए बहुत ही टफ हो जाता है। और अगर हम जस्ट अपोजिट किसी चीज के बारे में सोचते हैं ये बहुत ही आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और वो काम जब हम करते हैं बहुत ही ईजी तरीके से होता है। इसके पहले मैं वीडियो में भी कई सारे वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। अब सवाल आता है कि आपके दिमाग में ऐसा क्यों आ गया? आप 10th पास करके आए हैं, 12th पास करके आए हैं, बीए बीएससी बीकॉम पास करके आए हुए हैं, एमए एमएससी एमकॉम पास करके आए हुए हैं, तो फिर आज आप ऐसी बात कैसे बोल रहे हैं? कभी भी आप इतना सारा एग्जाम पास करके आए हुए हैं, आप एक भी एग्जाम के बारे में बताइए जिसमें एग्जाम के पहले आपको यह लगता था कि आज आपके इस एग्जाम की 100% तैयारी हो गया है। सोचिए, सोचिए, क्या ऐसा एक भी एग्जाम था जब आप 10th के एग्जाम दे रहे थे, ऐसा था, लगा था कि आपका 100% तैयारी है? जब आप 12th के एग्जाम दे रहे थे क्या था कि आपको लगता था कि 100% तैयारी हो चुका है? जब आप बीए बीएससी बीकॉम के एग्जाम दे रहे थे क्या उसमें लगता था कि आपके 100% तैयारी हो चुकी है? नो, एक एवरेज कैंडिडेट को ऐसा नहीं लगता। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि मैं भी आप ही लोग के जैसा हूं, जैसे कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होंगे आप लोगों में से। ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो सिर्फ कोई जो जनरल कैंडिडेट है वही देख रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट ही देख रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी देख रहे हैं। तो आप लोग के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन और अच्छी बात है, आप जेआरएफ क्वालिफाई कीजिएगा अच्छे तरीके से जेआरएफ। लेकिन मैं एवरेज स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ, मैं भी एवरेज स्टूडेंट से ही बिलोंग करता हूँ, जैसे कि आप लोग एवरेज स्टूडेंट, मैं भी वैसे ही एवरेज स्टूडेंट हूँ। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे लगा कि मैं इस एग्जाम के लिए 100% प्रिपेयर हूँ। और प्रत्येक, मैं बहुत फ्रेंड लोग से भी मैं जानता हूँ, किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि उसकी 100% तैयारी है। लेकिन एग्जाम दिए ना, एग्जाम पास किए और अच्छा खासा मार्क्स भी आए। हाँ, हो सकता है किसी में अच्छे तरीके से मार्क्स नहीं आए, तो आज कैसे ऐसे लग रहा है? आप लोग पढ़ के आए, एग्जाम फाइट करके आए। चलिए, मैं आपको बताया कि मैं कोई ऊपर से नहीं टपका हुआ हूँ, आसमान से टपका हुआ नहीं, मैं आप लोग के जैसा हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट, एवरेज जैसे आप लोग पढ़ते मैं भी वैसे ही पढ़ता हूँ, बस मैं लगातार पढ़ता हूँ। और मैं पढ़ा, आपको पता भी है। और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत बड़ा पोस्ट पे चला गया, अगर मैं गॉड गिफ्टेड होता तो मैं बहुत बड़ा पोस्ट पे चल जाता, शायद आईएएस आईपीएस बनता और आपके सामने ऐसे नहीं बताते रहता। और आई थिंक अच्छा हुआ अगर मैं उतने बड़े पोस्ट पे नहीं गया, तो उतना बड़ा पोस्ट पे जाता तो मैं आपके साथ में नहीं रहता, आप लोग का मैं हेल्प नहीं कर सकता, मैं आप लोगों को गाइड नहीं कर सकता। और मुझे आप लोगों को गाइड करना अच्छा लगता है, और मुझे, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टीचिंग एंड रीडिंग इज माई हॉबी, मुझे अच्छा लगता है, दिस इज माई पैशन। और इसीलिए मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ जैसे मैं खुश हूँ वैसे सबको खुश रहे, जैसे मैं पास किया वैसे सबको पास करे। और इसीलिए आपको पता भी बहुत को एक सिंपल हाई स्कूल में 9th 10th 11th 12th को पढ़ाने वाला मैं टीचर हूँ, कोई बड़ा नहीं। लेकिन हाँ, ये भी जो हूँ मैं एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करके ही आया हुआ, तो जाहिर सी बात है। और जिस दिन मैं उस एग्जाम को भी देने के लिए जा रहा था उसमें भी मुझे नहीं लगा था कि मैं 100% तैयार हूँ, लेकिन मैं पास किया। और भी बहुत सारे जो आईएएस का एग्जाम देता है, आप आईएएस से भी कभी मिलकर देखिए, उसको भी नहीं लगता उसका 100% तैयारी है, लेकिन पास करता है ना भाई। आपका भी सेम कंडीशन है, आप इस एग्जाम को कभी मत छोड़िए। दिस इज नॉट माय सजेशन, मैं आप लोग को सजेस्ट नहीं कर रहा कि इस एग्जाम को मत छोड़िए, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप इस एग्जाम में बैठिए, बैठिए तो एग्जाम दीजिए तो, और जिस दिन रिजल्ट आएगा आप मेरे से कॉल करके बताइएगा, मुझे फोन करके बताइएगा। आप लोग को सभी को मेरा नंबर पता है, नहीं तो मेरे वेबसाइट पर भी मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप एग्जाम दे के तो देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, आप एक भी एग्जाम, इतना सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दिए हैं, आपको न्यूज़पेपर से, टेलीविजन से बहुत सारी चीजें पता चलता है, आप एक भी एग्जाम के बारे में ऐसा बता दीजिए जिसका कि कट ऑफ 100% जाता है, एक भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम के बारे में बता दीजिए। सोचिए, ऐसा कोई एग्जाम है इंडिया में बना हुआ, इंडिया छोड़िए पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई एग्जाम बना हुआ है? इवन जो एग्जाम का क्वेश्चन सेट करता है, जो सेटर है, जो एग्जाम का सेट किया करता है, वो भी 100% नहीं बना सकता। एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता ही है, जब भी कोई एग्जाम होता है, चाहे वो सीबीएसई कंडक्ट करे, आईआईटी कंडक्ट करे, कोई भी कंडक्ट, लास्ट में एग्जाम का आंसर की दिया जाता है आप लोग के लिए पब्लिक डोमेन पे,
ताकि आप लोग इसको चेक कीजिए कि आंसर की है सही है कि नहीं। और हमेशा गलती निकलता है, कभी क्वेश्चन गलत रहता है, कभी आंसर गलत रहता है कि नहीं, आप ही बताइए ये कहां से आया। अगर वो 100% उनमें एफिशिएंसी होती तो क्वेश्चन गलती कैसे होता, वो तो एक्सपर्ट है क्वेश्चन सेट करने वाला। लेकिन गलती हो रहा है तो हमसे भी गलती होगा। आपको लगता है कि जब आप सेट बनाते हैं बहुत ज्यादा गलती हो जाता है और आप बना नहीं पाते हैं? नो भाई, गलती होता है, लेकिन आप एग्जाम तो दीजिए। हो सकता है कि आप जो जो जानते हैं वही सब में से आए, एग्जाम छोड़ दीजिएगा तो कहां से होगा। जो डर गया सो मर गया, अगर आप डर गए तो खत्म। कोई भी खेल हो, चाहे क्रिकेट का खेल हो, चाहे फुटबॉल का खेल हो, चाहे जो भी खेल हो, हार जीत दोनों उसमें है, लेकिन जीतता वही है जो खेलता है। जो जीते, जो खेलेगा नहीं वो जीतेगा कहां, वो तो पहले से हार गया। आप एग्जाम दीजिए, देखिए हार जीत तो वहां पर आएगा ना, जब आप ग्राउंड पे आइएगा लड़ने के लिए, ग्राउंड पे आइएगा खेलने के लिए। आप खेलिए, हाँ टेंशन लेके मत दीजिए, टेंशन लेके मत दीजिए कि मैं फेल करने वाला हूँ, फेल करने वाला हूँ, मेरी तैयारी नहीं है, ऐसा दिमाग में तो रहना ही नहीं चाहिए। जितनी तैयारी बस उतने सही देंगे, नहीं होगा नेक्स्ट टाइम देंगे। मैं आप लोग के साथ हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए भी, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ रहा हूँ। मैं इस बार तो मैं रेगुलर नहीं रह पाया, आप लोग को कंटिन्यूसली नहीं बता पाए, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम कंटिन्यूसली बताऊंगा। आप आइए एग्जाम दीजिए, देखिए पिछले साल भी बहुत सारा, मतलब जो नवंबर में एग्जाम हुआ था उसमें भी बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा ही बता रहा था, लेकिन बहुत का हुआ उसमें से 200 से ज्यादा कैंडिडेट का क्वालिफाई किया, जो कि बोलता था एग्जाम छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, वो भी क्वालिफाई किया। तो फिर आप क्यों नहीं क्वालिफाई कीजिए? यहाँ पर डरना नहीं है, लड़ना है। आप आइए लड़िए, एग्जाम दीजिए, उसके बाद फिर मेरे से बात कीजिए। मेरी गारंटी है आप जरूर पास कीजिएगा। बस दिमाग में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपकी तैयारी नहीं है, आप यहाँ से एग्जाम नहीं दे सकते। आपके दिमाग में सिर्फ ये रहना चाहिए कि आप तैयार हैं, आप एग्जाम देने के लिए 100% तैयार हैं। ठीक है आपकी तैयारी नहीं, लेकिन आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि आप तैयार हैं। व्हाई? बिकॉज यू हैव केम हियर आफ्टर क्वालिफाइंग योर पीजी एग्जामिनेशन। पीजी एग्जाम के बाद दे रहे हैं या तो पीजी के फाइनल में, तो पीजी पढ़ के फाइनल में है ना, पीजी के बाद आए हैं ना, पीजी पास करके आए हैं ना, जो पीजी में क्वेश्चन रहता है वही इसमें भी रहता है। और उसके अलावा भी एग्जाम से एक दिन पहले मैं टुक्का मेथड बताऊंगा, अभी आप पढ़ लीजिए, मैं टुक्का मेथड बताऊंगा, वो बहुत ही आसान तरीका है। आप जितना जानते हैं उतना बना के उसके बाद फिर टुक्का मेथड लगाना है, और कैसे लगाना है मैं बताऊंगा। आपके 100% श्योर सक्सेस कीजिएगा, आप क्वालिफाई कीजिएगा ही कीजिएगा, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। और इस बार क्वेश्चन भी आसान आने वाला है, आप लोगों को भी अच्छे तरीके से पता है इस बार क्वेश्चन बहुत ही आसान आने वाला है, क्योंकि न्यू पैटर्न है। तो आप बी रेडी, ये 8 जुलाई को जो एग्जाम है उसको फाइट करना है, और साथ ही साथ सिंपली फाइट नहीं करना है, जीतना है।